आदाब, अर्ली टाइम आप देख रहे हैं, मैं हूं तोसिफ खांडी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी से निकल के आ रही है, और ये खबर इस तरह की है कि जहां पे जमीन की सिंकिंग की वजह से जो है वो बहुत सारे मकान जो है वो उसके जद में आ चुके हैं। हम सीधे बात करेंगे वहां के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है SDM साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे पूरी जानकारी जो है वो लेंगे। सबसे पहले SDM साहब शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर हम कि ये किस वक्त का जो वाकया है। देखिए, कुछ दिन पहले से ही एक जो है न्यूज आई थी। पहले तो एक महीना पहले एक सिंगल स्ट्रक्चर पे थोड़े से क्रैक्स देखे गए थे, वहीं तक लिमिटेड था, लेकिन 3 दिन पहले ये क्रैक्स जो है एकदम बढ़ गए, जो 6 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो गए, लेकिन कल शाम होते होते 10 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे और अभी जो है 19 स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं जिनमें क्रैक्स आए हुए हैं। ये नई बस्ती ठाठरी का वाका है जो ठाठरी के साथ ही पड़ता है। सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कितनी फैमिलियां, कितने मकान जो है वो इस एरिया में है। देखिए, एरिया तो ठाठरी टाउन के साथ जुड़ा है काफी है, लेकिन अभी तक जो है एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो है 19 स्ट्रक्चर्स तक ही लिमिटेड है। तो सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। कल भी वर्दी, परसों वर्दी DC साहब, SSP साहब यहाँ आए थे, अभी भी SSP साहब आए थे, और कल जो है नेशनल लेवल की जियोलॉजिस्ट टीम्स आई थी, उन्होंने भी एग्जामिन करके अपने ओपिनियन दिए हैं। NHIDCL के जियोलॉजिस्ट भी आए थे, और 2 बजे तक जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी टीम जो है पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो जून जून सिचुएशन एग्जामिन होगी तो उसी से पता लगेगा। अलबत्ता घबराने की कोई भी बात नहीं है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, सेफ जगह पे कुछ लोग जो है खुद जा चुके हैं, बाकी को एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, सिचुएशन मॉनिटर की जा रही, घबराने की कोई बात सर नहीं। जो फैमिलियां वहां से निकाली गई, उन फैमिलियों को जगह जो है वो कहां दी गई और वो कहां ठहर रहे हैं। देखिए, इनमें से तो कुछ लोग, मैं फैमिलीज ऐसी थी जो एम्प्लॉइज थे, वेल टू डू थे, तो उनके अपने घर भी थे गांव में, कुछ ने प्रेफर किया वहां जाना, बाकी जिनने जो भी यहां रुकना चाहे, यहां पर वाटर पॉइंट पे SPDCL का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेड जो है प्रीफैब्रिकेटेड हट से वहां पर कैंप एस्टेब्लिश किया गया है, और खाने पीने का इंतजाम, बिजली पानी सब मैनेज किया जा रहा है, शाम तक फुल्ली कैंप जो है ऑपरेशनल। सर किसी तरह का कोई नुकसान अभी तक, माली नुकसान है, जानी नुकसान कोई भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट ना भी हो सर, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की किस तरह से जो है वो कोशिशें लगातार जारी है। देखिए, मैंने आपको कहा, जैसे DC साहब परसों जो ही मैंने उनको इन्फॉर्म किया, परसों ही मुझे सुबह पता चला मेजर डैमेज, जब लोग आए उसके बाद DC साहब आए रात को यहाँ, कल भी जो है नेशनल लेवल के जियोलॉजिस्ट जो है यहाँ 3 टीमें आई थी, सुबह से SSP साहब भी कैंप कर रहे थे, वर्दी डिवकॉम साहब जो है DC साहब के साथ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सर आप वहां से, आप वहां के जो है वो मजिस्ट्रेट का जो फर्ज निभा रहे हैं, आपका जो वहां से मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए। हमें लोगों से यही कहना है कि जो लोग यहाँ पे आकर जमा हो रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं तमाशा देखने, वो अवॉइड करें, जो है जो इफेक्टेड फैमिलीज को निकाला जा रहा है, लेकिन हमें रिलीफ रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, जो बाहर से लोग जमा हो रहे हैं यहाँ तमाशे का वो माहौल बनाया, वैसा ना करें, हमें अपना काम करने दें। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फोन लाइन पे SDM ठाठरी, जो ये जिला डोडा का ठाठरी वाला डिवीजन है, ये उस डिवीजन की बात है जहां पे सिंकिंग की वजह से जो है बहुत सारी जमीन जो है वो वहां से जो है अपनी जगह से जो है वो जमीन ने अपनी जगह छोड़ के जो है वो दूसरी जगह जो है पकड़ ली है, और अभी तक इनका कहना है कि अभी तक कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है, और जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस काम में लगी हुई है, जितने भी हमारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है वो इस काम में लगे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, हम पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अगले टाइम के लिए तोसिफ खान।